दोस्तों, निजी टीवी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए टॉम मोदी ने बताया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने की दौड़ में शामिल नहीं है और उसकी वजह फ्रेंचाइजीज क्रिकेट में उनके मुआहदे हैं। टॉम मोदी ने दुबई इंटरनेशनल T20 लीग ILT20 में रिजर्व वाइपर के साथ बतौर डायरेक्टर वो वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि मैं ILT20 लीग में रिजर्व वाइपर के साथ मसरूफ हूँ, जबकि आने वाले दिनों में भी मसरूफियात की वजह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोच बनने की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट हवाले से बासलाहियत कौम है और मुझे यकीन है कि जो भी पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनेगा उसका वक्त बेहतर गुजरेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।